जैसे टाटा का लोहा है ना वैसा है इसका है पूरा न्यूलैंड का। 47 एचपी का ये ट्रैक्टर है किसान भाई, लिफ्ट है ना सेंसिंग बहुत गजब की है, हैवी मजबूत लिफ्ट लिंकेज है इसकी, जमीन से जुड़ा हुआ लग रहा है बंदा इसे, ऐसे नहीं है कि वो ज्यादा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अक्षय जाखड़ और आप देख रहे हैं पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। तो भाई वीडियो को शेयर कर देना, आज आपके लिए ना एक और नीला घोड़ा, मैंने पिछली वीडियो में बोला था ना, ये देखिए 47-10 लेके है न्यू होलैंड का। भाई देखने में ना न्यू होलैंड के ट्रैक्टर ना ऐसे मजबूत दिखते हैं पूरे, देखो जैसे टाटा का लोहा है ना वैसा है इसका है पूरा न्यू होलैंड का। नहीं जी थोड़ा आगे जाना, बम्पर देखिए आप ना, ट्रैक्टर उठा के ले जाना भाई, दोनों साइड से इसके ऊपर टेक देना, 90 kg का बम्पर है, जल्दी से हिलने वाला नहीं है ठीक है। और सिंगल पीस बोनट दिया गया इसका, और इसको किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करने के बाद में बड़ी आसानी से खोल जाएगा ये, सिंगल पीस बोनट है तो अंदर ही भाई सिंगल, इसमें थोड़ी सी है ना इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दी है भाई, सही बताऊँ तो ये डबल होनी चाहिए थी, ये डबल होती ना थोड़ा सा और मजबूत हो जाता। बाकी देखिए इसमें ना आपको ड्राई टाइप का एयर फिल्टर मिलेगा डबल स्टेज के साथ में, ये है ना मेन मोटा मोटा कचरा है ना ये रोक लेगा यहाँ पे ठीक है। उसके बाद में बाकी बैटरी आगे मिल जाएगी तो इससे भी वेट है जो बढ़ जाएगा। बाकी इंटरकूलर भी दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको इंटरकूलर मिलेगा, इससे आपका ट्रैक्टर के अंदर जो डीजल वगैरह ना वो ठंडा हो जाएगा पूरा ठीक है। और यहाँ पे देखिए भाई 3 सिलेंडर का इसका इंजन मिलेगा, 2700 cc का इंजन दिया गया है, 47 HP का ये ट्रैक्टर है किसान भाई, 2250 रेटेड इसके RPM है, वो देखिए इवेको इंजन है जो इसके अंदर आपको मिलता है। तो देखिए ऐसे है ना आपको ना एक मतलब फिटेड सा ट्रैक्टर लगेगा, ऐसे ऐसे नहीं है अभी खुला खुला कोई पार्ट यहाँ पे लगा दिया कोई ऐसे लगा दिया तो नहीं, एक बिल्कुल देखिए एक लेवल के अंदर दिया गया है। तो XL सीरीज का ये ट्रैक्टर है किसान भाइयों, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है ये, इसमें भी आपको डबल पंप मिलेगा, एक पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है और एक दिया गया लिफ्ट के लिए, और भाई इसके अंदर सिंगल एक्टिव पावर स्टीयरिंग मिलता है, हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया गया, देखिए काफ़ी मजबूत दिया गया है फ्रंट एक्सल है जो, और भाई 47 HP के ट्रैक्टर में 6-5-16 के टायर है जो इसके दे रखे हैं, वेट वगैरह आपने देख ही लिया इसके अंदर। बाकी देखिए टूल बॉक्स है जो आपको इसके अंदर फाइबर का मिलेगा, यानी कि रबड़ का है जो टूल बॉक्स है वो दे रखा है, ये टैंक है फ्यूल टैंक 50 लीटर का, ये भी फाइबर का दिया गया है। तो चलिए बोनट कर लेते हैं बंद, आगे से बारीक जाली दी गई है भाई, आप अगर चूड़ी वाली मशीन वगैरह चलाएंगे ना तो उसमें भी है जो काम देगा पूरा। और ये देखिए बड़ा क्रोम फिनिश के साथ में इसका लोगो दिया गया है, और 4D एयर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, ये देखिए यहाँ से भी, और भाई ऐसे ना एरोडाइनमिक शेप के अंदर इसका डिज़ाइन है वो किया गया है, जो पहले के जो ट्रैक्टर आते थे ना न्यू होलैंड पिचपंस वगैरह तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया है इस शो के अंदर ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंजन की गर्म हवा शाम तक न जाए इसके लिए मजबूत दिए गए हैं, ये भी काफ़ी मजबूत है। और ऊंचाई देखिए ट्रैक्टर की हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, तो इसके लिए सिंगल फुट स्टेप है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए नहीं जी अपने चेक कर लेते हैं कैसा। वाह यार ये ट्रैक्टर मुझे उनसे जो है ना न्यू होलैंड के स्पेशल एडिशन है और 56 pieces है उनसे ठीक लगा, यहाँ बैठने में आरामदायक है उन पे ना पैर ऐसे, मतलब यहाँ पे थोड़ा थाई स्पोर्ट नहीं है उनकी, सही में यहाँ पे ठीक है इसकी। तो इसमें आपको मिलता है किसान भाइयों कॉन्स्टेंट मेस गियर बॉक्स, जो कि 8 फॉरवर्ड के और 8 रिवर्स के गियर मिलेंगे, और जिसमें कि आपको ये शटल शिफ्ट गियर है ये भी देखने को मिलता है, और इसका डिजिटल मीटर दिया गया है, दिनेश जी दिखाइए इधर, ये देखिए भाई आपको इसमें डिजिटल मीटर दिया गया है, मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार दोबारा से ऑन करके, ये देखिए डिजिटल मीटर मिलेगा, और यहाँ पे हैंड का एक्सीलेटर दिया गया है, और ये आपका भाई आपके लिए वीडियो शूट कर रहा है, लाइक जरूर कर देना कमेंट कर देना भाई, ये गियर स्पीड है जो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी 8 फॉरवर्ड की और 8 रिवर्स का। तो हाई लो के लिए ये गियर दिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे शटल शिफ्ट दिया गया, इजी स्टेयरिंग व्हील है कार की तरह भाई, स्मूथ स्टेयरिंग व्हील आपको मिलेगा, और फीलिंग काफ़ी गजब की आ रही है, मतलब ऐसे है ना जैसे जमीन से जुड़ा हुआ लग रहा है बंदा इसे, ऐसे नहीं है कि वो ज़्यादा स्पीड के अंदर अगर ट्रैक्टर को दौड़ाएंगे तो उछलने का कोई डर नहीं है इसके अंदर। ऑयल इमर्स्ड ब्रेक मिलेंगे, और इसमें आपको ना डबल क्लच मिलती है, PTO क्लच अलग से दी गई है, एप्ट्रा PTO दिया गया है इसमें, तो भाई एप्ट्रा PTO के अंदर देखिए 7 PTO आते हैं इसके अंदर टोटल, और यहाँ पे देखिए PTO 540 इकोनॉमी PTO, 540 स्टैंडर्ड PTO, और गियरों के अंदर PTO और रिवर्स PTO है जो इसमें आपको मिलते हैं, यानी कि GS PTO भी आपको इसके अंदर है जो देखने को मिलता है। और लिफ्ट की लीवर है ना भाई वो ड्राइवर सीट के बिल्कुल पास में दे रखी है, लिफ्ट ऑटोमेटिक दिया गया है, और काफ़ी मतलब शानदार है इसकी लिफ्ट वगैरह भी, कॉन्स्टेंट मेस गियर बॉक्स की बैजिंग भी कर रखी है, और ड्राइवर सीट है
वो एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से इसकी ऊंचाई भी कर सकते हैं भाई, जो बड़ा भारी व्यक्ति है वो ऊपर लेकर जा सकता है इसको सीट को। बाकी देखिए खुला प्लेटफॉर्म है, पार्किंग के लिए ब्रेक वहाँ पे है जो दे रखा है, और यहाँ पे दिया गया भाई 8x8 यानी कि शटल शिफ्ट के साथ में। और पिछले टायर की बात करें 14x28 के पिछले टायर मिलते हैं, और भाई फेंडर बहुत गजब के दिए गए हैं इसके। ना पिछले फेंडर की बात करें ना, काफ़ी शानदार अट्रैक्टिव फेंडर है जो इसमें देखने को मिलते हैं। 6 साल की वारंटी मिलती है अभी पॉलिसी के तहत है वो भी, और ट्रांसफर वारंटी है यानी कि दूसरी जो किसान ट्रैक्टर खरीदता है ना, अगर आप सेल करते हैं सेकंड परचेज होता है ट्रैक्टर, तो वहाँ पे भी ये वारंटी साथ में ही जाएगी। तो ये मुझे बहुत गजब लगी हुई न्यू वेलेंट की बात। बाकी भाई इसकी लिफ्ट है ना, सेंसिंग बहुत गजब की है, हैवी मजबूत लिफ्ट लिंकेज है इसकी, देर की है, हुक भी एडजस्टेबल दिया गया है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। भविष्य में अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके लिए भी पीटीओ के लिए जगह है जो इसके अंदर देर की है। और ये पीटीओ का लीवर दिया गया भाई गियर का, यहाँ से आप पीटीओ की स्पीड चेंज कर सकते हैं। और ये प्रेशर यानी कि गैस वगैरह है वो रिलीज करने के लिए दिया गया है यहाँ से टापे के अंदर से, ठीक है। बाकी लिफ्टोमेटिक इसमें मिल जाएगा, बड़ी लैंप मिलेगी पीछे की, यह देखिए काफ़ी मजबूत बड़ी लैंप है जो इसमें दे रखी है। और भाई ईवीआई हिस्सा दिया गया यानी कि प्लेनेटरी बोलते हैं ना, वो वाला हिस्सा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलता है किसान भाइयों। बाकी कुल मिला के बढ़िया है ट्रैक्टर 47 HP के अंदर। और यहाँ पर वाल्व दिए गए हैं जो इनसे आप लिफ्ट की स्पीड वगैरह है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेल सीरीज का ये ट्रैक्टर है किसान भाइयों। और यहाँ पे देखिए वाटर सेपरेटर वगैरह, और ये पुल और स्टॉप यानी कि कर सकते हैं आप इंजन को, ठीक है। 50 लीटर का फ्यूल टैंक का जो आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। बाकी अगर फ्रंट के टायर की बात करें 6x50 16 के फ्रंट के टायर दिए गए हैं, पिछले 14x28 के दे रखे हैं, और सिंगल ड्रॉप आर्म के साथ में दिए गए, पावर स्टीयरिंग है जो इसका। बाकी अगर अपने इसके मतलब प्राइस की बात करें ना, तो वही एरिया के हिसाब से अलग अलग होते हैं प्राइस। और भाई जो आज के दिन आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, मैं एक मोटा मोटा अंदाज़ा बता देता हूँ आपको, 7,80,000 के करीब करीब से इस ट्रैक्टर की प्राइस रेंज है वो स्टार्ट हो जाती है। और 4x4 वगैरह लेते हैं ना, तो 950 तक जा सकता है ये ट्रैक्टर। बाकी देखिए यहाँ पे टोटल मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह है जो काफ़ी गजब का दिया गया है। चलिए मैं आपको ना इसको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ वगैरह दिखाऊंगा इवेको इंजन की, ठीक है। पीटीओ HP की, तो वो भाई मैंने बताई नहीं है वीडियो के अंदर, तो वो और बता देता हूँ आपको। इधर आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया इसका पीटीओ 42.5 HP का पीटीओ दिया गया इसका। और SFC है जो 198 की SFC है भाई, अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट है ये ट्रैक्टर एवरेज के मामले में भी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।